आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के बाद मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। इसी क्रम में जब जानकीपुरम में लोग अपने अपने बूथ पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। यहाँ तक कि कई लोगों को अपना बूथ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि इस बारे में डीएम से कई बार शिकायत की गई लेकिन अभी तक इसका हल नहीं हो पाया। इस बीच बूथ पर स्कूल प्रबंधक और बीएलओ के बीच कुर्सी को लेकर थोड़ी गहमागहमी भी देखने को मिली। हमारे जानकीपुरम गार्डन में इस समय लगभग जो है 2500 वोटर इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि उनका नाम लिस्ट में आए। और हमने अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे बीएलओ साहब बैठे थे तो उनको आके अपना आधार कार्ड, अपने परिवार का आधार कार्ड, बिजली का बिल मैंने दिया था, जबकि मैं लिस्ट में पा रहा हूँ कि मेरा नाम ही नहीं आया है। तो इसका मुझे मतलब बेहद दुख है कि इतने दिनों के बाद भी मेरा नाम जो है नगर निगम में नहीं आया, जबकि मैं पिछले 12 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ पे हमको बैठने में बैकबोन में प्रॉब्लम होती है लेकिन यहाँ पे कई दो दिन से हम लोग यहाँ इसी चेयर इस पे बैठ रहे हैं और ये लोग कोई चेयर की व्यवस्था नहीं करते। कहते हमारे पास चेयर है ही नहीं, हमारा स्टाफ बैठा है, हमारे पास एक्स्ट्रा चेयर नहीं है। कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी है आपकी? ये 9 बजे से 5 बजे। किस विद्यालय में बैठी हैं आप लोग? ये MDM पब्लिक इंटर कॉलेज। ये कहाँ पर है? ये है यहाँ जानकीपुरम गुतिया में, सेक्टर F। जानकीपुरम MDM स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से एक बूथ लगाए जा रहे हैं जिसमें मतदाता सूची में जिनके नाम रह गए हैं उनके नाम बढ़वाने के लिए यहाँ पर BLO की तैनाती की गई है कि जिनके भी नाम सूची में रह गए हैं उनके नाम सूची में बढ़वाए जाएँ। तो यहाँ पर कुछ अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बार हम बात करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, कैसे आप लोग कर रहे हैं, कैसे नाम सूची में दर्ज कर रहे हैं। ये मैं एक समय तो अपने फार्म देके और उसका डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसका नाम हम बढ़ा देते हैं, सूची बना के नगर निगम में जमा करते हैं, उसी से हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक कुछ एरिया ऐसा है जो बिल्कुल इसमें जुड़ा ही नहीं है, जिसमें कि लगभग 4000 वोटर होगा। तो पहले से ऑलरेडी हम लोगों की लिस्ट में 1400, 1500, 1600 लिस्ट नाम हैं एक लिस्ट में, क्योंकि 1000 तक काम करना चाहिए। और कितने वोटर हम कैसे जोड़ेंगे, ये परेशानी हमको बहुत हो रही है। कोई कहता है नहीं जोड़ोगे तो हम कहीं शिकायत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम कितना जोड़ेंगे, 2000-4000 जोड़ेंगे क्या? एक लिस्ट सब नहीं हो सकता। तो अभी इनके पास समय का अभाव है, किस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए आए हैं, कुछ क्षेत्रीय लोग होंगे। जानकीपुरम सिस्टम पार्टन से आप हैं, क्या समस्याएं हैं, कितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं जोड़ पाया? भाई साहब, अभी तक हमको यही नहीं पता है कि हम जानकीपुरम द्वितीय के वोटर हैं या जानकीपुरम तृतीय के वोटर हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन और शासन को मैं लिख भी रहा हूँ, पत्र भी भेज रहा हूँ, अभी तक जिलाधिकारी महोदय से भी कोई मेरे को ये नहीं पता लग पाया कि हम लोग किस वार्ड के वोटर कहलाए जाएंगे। क्योंकि अभी हमने विधानसभा पहली बार हम लोगों ने वोट डाला था, हमारे 5 अपार्टमेंट हैं। जानकीपुरम विस्तार की जो योजनाएं हैं उसमें एक सृष्टि अपार्टमेंट है, स्मृति अपार्टमेंट है, जनेश्वर अपार्टमेंट है, आपके सरगम है, सुलभ आवास सेक्टर जे, इन लोगों यहाँ करीब 10,000 वोटर हैं। और अभी तक हमारे यहाँ ना कोई BLO का पता है, ना हमारे वार्ड का पता है। लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, लगातार बातचीत कर रहा हूँ लेकिन कोई भी अभी तक मेरे को हल नहीं मिला। कुछ अधिकारियों से अभी यहाँ पर आया हूँ, अभी मैं आया हूँ यहाँ पर अपना देखने के लिए कि यहाँ नाम ही नहीं, यहाँ जबकि 8 बूथ बने हुए हैं उसमें किसी में भी हम लोगों का किसी भी अपार्टमेंट वासियों का नाम ही नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ये सृष्टि अपार्टमेंट के निवासी हैं, जिनका कहना है कि अभी हमारे अपार्टमेंट में करीब 1000 निवासी हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो हम नगर निकाय के चुनाव में वोटिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से हम अपने नेता को चुनेंगे, अपने क्षेत्र के सभासद को चुनेंगे। हमारे साथ कुछ BLO भी बात करने के लिए बैठे हुए क्षेत्र के, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का ये आप वोटर लिस्ट बना रहे हैं और कैसे लोगों का नाम इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है। ये मैं विनोद कुमार यादव, BLO 1508। हमारे यहाँ जो फार्म आ रहे हैं ये उनको फार्म हम लोग ले रहे हैं, हर के मतदाता स्वयं इन फार्मों को ले जाते हैं, हम नगर निगम कार्यालय में देते हैं, रिसीव कराते हैं, रिसीविंग लेते हैं। तो
इनका कहना ये है, ये येलो है जिनसे हमारी बात हो रही थी, इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो मतदाता सूची में नाम भरवाने के लिए अपना फॉर्म भर के दे जाते हैं उनको हम जमा करके कुछ अधिकारियों को प्रेषित करते हैं, उसके बाद उधर से जो भी कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी किस तरह से। हालांकि अभी तक बहुत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, यहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका भी नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, क्या समस्या है, आप यहाँ पर आए हैं? मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन मैंने अपने घर के और मोहल्ले के लोगों के कुछ नाम करवाने के लिए मैं वही नाम जो मैंने दिए थे वो देखने के लिए आया हूँ, और वो नाम मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। बना था कि इतनी लापरवाही किस चीज़ हुई है, शासन को भी दिखाई दे रहा है कि हमारा जो मत है, हमारा वोट है, मतलब मुद्दा को सुनने का विषय है, उसको कैसे मतलब वोट करें। तो ये मामला केवल जानकीपुरम का नहीं है, पूरे लखनऊ का, पूरे उत्तर प्रदेश का है, जहां मतदाता सूची से वोटरों का नाम गायब हो चुका है। बहुत सारे वोटर हैं जो वयस्क हो चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ये किसकी कमी आ रही है, ये निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम कर रहा था, कैसे जिला निर्वाचन अधिकारी इसको देख रहे थे, किस तरीके से अधिकारियों को इस पर प्रेषित कर रहे थे कि कैसे काम किया जाए, ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। लेकिन अभी ये समस्या दस की दस बनी हुई है। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ।